वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी बहन मेरे हेल्थ इशू है तो जी उसके बारे में आप कहना। जी जी आपने ट्रीटमेंट करा है? मेरा जी फोर फोर फाइव फाइव ईयर से मुझे क्या है स्ट्रेस होते हैं, इमोशनल होते हैं, कुछ भी खाते हो ना तो हाँ हाँ कुछ भी इमोशनल खाते हैं। हो जाते हैं। जी, मुझे मिर्ची नहीं बनती है, उनमें किसका जो खाते हैं ना वही बनता है। तो ओके डॉक्टर के पास मैंने ट्रीटमेंट कराया, ऑल टेस्ट कराया मैंने, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी हाँ सब हाँ टेस्ट कराए, वो सब नॉर्मल है। वो सब कह नॉर्मल आ रहे हैं रहा है। कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से। है। हाँ अच्छा तो मुझे कुछ भी छोटी छोटी चीज को स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से मोशन होते हैं, ओके उसकी वजह से मेरे हेयर फॉल भी हो रहा, पूरा वीकनेस हो गया बॉडी में। आई ओके ओके एम अराउंड 20 ईयर्स, ठीक है। आपको कितने साल से प्रॉब्लम है सिस्टर? 4 ईयर्स से। या 4 इयर्स से है। आप अभी 20 हैं, आपको 16 की एज से है ये प्रॉब्लम। हाँ 16 ईयर्स से। ओके जी ठीक है सिस्टर, मैं आपसे एक सबसे पहले मैं आपकी डिटेल में जाऊंगा बाद में। आप एक जी गोल सामने रखो कि अल्लाह की मदद से आप एक हेल्दी लाइफ इंशाल्लाह गुजारोगे आगे। ये आपका गोल होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए? कि आप एक हेल्दी लाइफ जी गुजारेंगे इंशाल्लाह। आप अपने आप को मेंटली ओरिएंट करिए, अल्लाह से मांगे और जिद से दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। एक गोल सेट करिए, अल्लाह से मदद मांगिए। सेकेंड चीज यहाँ ये है, इसके लिए क्या क्या करना जरूरी है? आपको दो चीजें करना जरूरी है, एक है फिजिकल तौर पे, एक है मेंटल तौर पे। हाँ, और एक है स्पिरिचुअल। मैं तीसरी चीज ऐड करूंगा स्पिरिचुअल। तो फिजिकल में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, है ना? आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी कभी कभार क्या होता है ना सिस्टर, अलग अलग फील्ड्स ऑफ मेडिसिन होते हैं। एक फील्ड ऑफ मेडिसिन वालों के पास उसका ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हो जी सकता है यूनानी मेडिसिन में हो सकता है कोई और फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट में आपके लिए ट्रीटमेंट हो। आप वो भी ट्राई करिए इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु मैं अलैहि वसल्लम वो ने भी ट्राई फरमाया कर कि रही हूँ। हर बीमारी के लिए अल्लाह ने शिफा रखा है। हर बीमारी के लिए है आपकी बीमारी का प्रॉब्लम का इलाज, जो 4 साल से नहीं मिला ना है। जी अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मदद मांगो और जरिए इख्तियार करो और देखो कि कहाँ पे। मैं सिर्फ यूनानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे ये तो पक्का है कि ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं है। कलौंजी के अंदर है, हनी में है, कहाँ है? हाँ देखिए इंशाल्लाह। फर्स्ट वो हो गया फिजिकल। सेकेंड चीज क्या है? मेंटल। तो उसके अंदर आपको क्या करना है ना सिस्टर, आपको ये करना है कि आपके माइंड लाइफ में क्या स्ट्रेस है, आपको देखना होगा बड़े प्रॉब्लम क्या है। तो क्या बड़ा कोई प्रॉब्लम है जो आपको 4 साल से कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है जो पहले नहीं था? कुछ ऐसी चीज, किसी का मेरा इंतकाल घर में, ऐसा कुछ हुआ है 4 साल पहले? फैमिली इश्यूज थे, मेरे हाँ, फैमिली का प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ टेंशन जी थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं सिस्टर एक एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे, पैदा होने से पहले उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। हाँ, 6 साल के हुए, वालदा की डेथ हो गई। 8 साल हुए, दादा संभाल रहे थे, दादा की भी डेथ हो गई। देखा जाता है कि ऐसे जो चाइल्डहुड से गुजर के आते हैं ना, ऐसे बच्चे नॉर्मली नॉर्मल नहीं रह पाते। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नॉर्मल नहीं थे, नॉर्मल तो थे ही, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे। कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी मानती है कि पूरी इंसानी तारीख में ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑन बोथ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लेवल्स। हाँ, वर्ल्डली तौर पर भी वो मोस्ट सक्सेसफुल थे अल्हम्दुलिल्लाह, स्पिरिचुअली भी थे। तो हम ये देखते हैं मेरी सिस्टर कि हम वो नबी के फॉलोअर हैं। आपके प्रॉब्लम्स की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि आप अपने लिए सेट करिए एक बात कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज आपको पूरी तरह से ओवरकम करना है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की मदद से। जो भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरकम करना है, उसको ओवरकम करना है अल्लाह की मदद से। ओके इंशाल्लाह, ये गोल सेट करिए, जी अल्लाह से मदद मांगिए। सारे स्टेप्स है, लेकिन अगर आप चाहते नहीं है ना तो नहीं मिलने वाला है। लैसल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान को नहीं मिलेगा सिवाय वो जो खुद कोशिश करेगा। हाँ, तो ये सेकेंड चीज हो गई। और स्पिरिचुअली जो कई सारे टिप्स है, कई सारी चीजें हैं जो स्पिरिचुअली, अब वो हम इंशाल्लाह कुछ तो हमने आज के लेक्चर में देखा है, आज की क्लास में देखे हैं, कल से मैं कई और चीजें शेयर करने वाला हूँ। आप इस प्रोग्राम में जरूर जुड़े रहिए और ये चीजों को फॉलो करिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके मसले को हल कर दें, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल कर दें। एक आउटस्टैंडिंग, ब्यूटिफुल, गुड दुनिया की जिंदगी भी अच्छी हो, आखिरत की अच्छी हो, ऐसी जिंदगी आप गुजारें बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की मर्जी से। और वो चीज के हासिल करने की जो सारी चीजें, अल्लाह आपके लिए आसान कर दें। हाँ, ये तीनों चीजें, फिजिकली भी अल्लाह ताला आपको शिफा दे, ज़हनी तौर पे भी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की अल्लाह ताला आपकी मदद करें,
और स्पिरिचुअल तौर पे भी अपने आप को दीनी एतबार से, हर एतबार से स्ट्रांग बनाकर दीन पे कायम रहने की अल्लाह ताला तौफीक दे। तो वो भी इससे कनेक्टेड होगा, है ना, जो आपने डाइट वाला बताया वो भी उसी से कनेक्टेड हो सकता है। तीनों चीजें उसके लिए भी, हाँ तीनों चीजें उसके लिए भी, अल्लाह ताला आसान करें, अल्लाह मसला आसान करें। जज़ाकअल्लाह खैर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें